हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास देख सकते हैं क्यूरियो का एलईडी टीवी आया है, जिसका मॉडल नंबर आपको दिखा देते हैं, KLE32DL CH N7 है। फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं ये मेरा पीसी में है, सबसे पहले तो मेरा वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें और कमेंट करें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, ये तो ऑन हो रहा था पर नो डिस्प्ले, जैसे बैकलाइट इसका भी ख़राब था। तो बैकलाइट मैंने इसमें एक ड्राइवर इंस्टॉल किया हूँ, और फ्रेंड्स एक जगह से आया है, एक टेक्नीशियन से, इनसे नहीं हुआ, वो क्या क्या जोड़ कर अथी कर लिए थे। इसमें बैकलाइट था, बैकलाइट ड्राइवर था, तो मैंने एक 12 वोल्ट एक VCC लेकर रेड वाला वहाँ 12 वोल्ट दे दिया, और एक ब्लैक वाला यहाँ से ग्राउंड दे दिया, और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं एक जम्पर रेड वायर का VLON इस IC से देख सकते हैं, ये IC है। इस IC से वो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा, देखिए वो रेजिस्टेंस 5103 के बगल में एक रेजिस्टेंस है, वो बी ऑन का पॉइंट है। VL ऑन से 3.3 लेकर मैंने इन्वर्टर बोर्ड का VL ऑन से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद मेरा इसमें इन्वर्टर सेक्शन चालू हो गया, और उसको चालू करने के बाद मैंने देखा पैनल में भी नो पिक्चर का फॉल्ट था। तो मैंने एक ये देखिए सैमसंग टाइप का पैनल है, इसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट था, वो ड्राइवर लगाने से बैकलाइट तो जलने लगा, उसके बाद नो डिस्प्ले इसमें आने लगा। तो नो डिस्प्ले आने लगा तो इसमें तो अधिकांश 90% चांस रहते हैं CKV लाइन का। तो मैंने बारीकी से दोनों तरफ CKV लाइन देखा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक CKV लाइन है, जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी CKV लाइन है। देखिए कितनी बारीकी से काटा हूँ कि जोड़ने में भी आसानी हो। और यह फ्रेंड्स, ये 2-3-4 मिनट की वीडियो नहीं होती है, इसको काम करने के लिए काफ़ी मसला से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए काफ़ी मैंने तो लाइव बना ना पाया, क्योंकि मैं अकेला था, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया और इसको ओके कर लेने के बाद मैंने आप लोगों को हिंट से देने की कोशिश किया कि इस तरह का प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले। यहाँ पर आप मीटर का प्रोब देख सकते हैं, वी ऑन और एक ग्राउंड से कनेक्ट कर और स्टैंड बाई से रिलीज कीजिएगा, तो कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा वोल्टेज आकर ड्रॉप हो जाएगी। तो समझ लेना है कि ये CKV की लाइन की कुछ फॉल्ट होगी, पैनल में शॉर्टिंग होगी। तो ये देख सकते हैं, ये एक साइड यहाँ भी CKV लाइन है और एक साइड यहाँ CKV। तो इधर मैंने फर्स्ट टाइम काटा तो मेरा मसला ओके नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने इस साइड को जोड़ दिया और इस साइड का CKV लाइन काटा। देखिए कितना टेक्नीशियन बतलाता है कि अरे CK
V1, CK, V2 के एक पॉइंट काट दिए और मसला की हो जाए। तो फ्रेंड्स वो वाला होती है ना वो सक्सेसफुल, मतलब समझिए कि वो 30-40% 25-30% काम करता है, बाकी सब में ऐसा काम नहीं करता है। तो मैंने कोशिश किया पूरा, ऐसा नहीं है कि एक पे कट, एक एक कर कर काट कर देखे और देखे कि पिक्चर कैसा आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पूरा काट लिया और यहाँ पर जोड़ दिया। आइए इसको हम चालू कर लेते हैं और चालू कर कर आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी दिखा देते हैं। आइए इसको लगा दिया, स्टैंड बाई में आ गया। स्टैंड बाई में आने के बाद देखते हैं स्टैंड बाई से रिलीज होगा, स्टैंड बाई से रिलीज हुआ, इन्हें आ गया। देखिए लिखा हुआ आ गया और ये देखिए ये भी में आ गया और उसके बाद नो सिग्नल में आ गया। मेरा टीवी 100% ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना तो भूलें नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।